गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, आइए, दिस इज आवर फोर्थ लेक्चर, राइट। लास्ट क्लास तक आपको ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के बीच में डिफरेंस सिखा दिया गया था। आपको कुछ होमवर्क नहीं मिला था, राइट। आइए होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन मस्ट बी फर्स्ट ऑर्डर। कह रहा है कि अगर कोई एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, इसका मतलब उसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है, वन है, तो कह रहा है उसका ऑर्डर भी वन होगा। क्या ये बात सही है? और इसमें एक वर्ड और लगाया गया, ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है, मस्ट बी, हमेशा होना चाहिए। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों क्यों फॉल्स हो गया? इसलिए फॉल्स हो गया क्योंकि उस स्टेटमेंट में उसने कहीं ये नहीं बताया है कि जो रिएक्शन है वो एलिमेंट्री रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स। अगर रिएक्शन एलिमेंट्री हुई तो आपको पता है कि मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर की वैल्यू सेम आती, यानी कि मॉलिक्युलरिटी अगर वन है तो ऑर्डर भी वन आएगा, यानी कि उस केस में ये ट्रू होगा। बट अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हुआ तो ये कभी भी सेम नहीं आएंगे, यानी कि मॉलिक्युलरिटी वन है तो ऑर्डर वन नहीं आएगा। तो इसका हम क्या कह सकते हैं कि ये हमेशा ट्रू नहीं है। हो सकता है जो रिएक्शन दी गई है अगर उसकी मॉलिक्युलरिटी वन है तो उसका ऑर्डर भी वन हो, लेकिन हमेशा होगा ये कहना क्या है, गलत है। सो दिस वन इज फॉल्स। सेकेंड देखिए, अ यूनिक मॉलिक्युलर एलिमेंट्री रिएक्शन। हाँ, ये अच्छा काम है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, यानी कि मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। यूनिक मॉलिक्युलर यानी मॉलिक्युलरिटी वन है तो ऑर्डर भी क्या आएगी, वन। तो दिया है यूनिक मॉलिक्युलर एलिमेंट्री रिएक्शन मस्ट बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर के ही होंगे, ये बिल्कुल सही है, दिस वन इज ट्रू। थर्ड, अ यूनिक मॉलिक्युलर रिएक्शन मे बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एक जो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, फिर कमेंट नहीं किया कि वो एलिमेंट्री है कॉम्प्लेक्स, कोई भी है तो हो सकता है कि वो फर्स्ट ऑर्डर का हो, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों ये गलत और ये सही क्यों? क्योंकि इसने कहा कि हर बार वो फर्स्ट ऑर्डर होगा, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी तो उस केस में इक्वल नहीं आ सकता। इसने कहा कि हो सकता है इक्वल हो, बिल्कुल हो सकता है, अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो नहीं भी होगा, और अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो हो जाएगा। यानी कि यहाँ इस जो खेल है वो किसका है, सिर्फ मे बी और मस्ट बी का, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। सो फर्स्ट वन वॉज फॉल्स एंड द रेस्ट टू आर ट्रू। आइए हम आगे बढ़ें, उससे पहले आपको एक थोड़ा सा रिविजन करा दें, क्योंकि अब जो हम यूज करेंगे आज के लेक्चर में, टॉपिक यही होगा एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन उसको सीखने से पहले मैं आपको लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 के कुछ पॉइंट्स जो मैं यूज करूंगा उसको सिखा दूं। आपको आर एवरेज निकालना आता है, राइट, आता है ना? हाँ, मैं आर एवरेज की बात नहीं करूंगा यहां पर, मैं किसकी बात करूंगा, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल रेट लॉ, ये क्या होता है, याद है? हाँ, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को इंस्टेंटेनियस के लिए डिफाइन करते हैं तो हम डी बाई डी टी के टर्म्स में लिखते हैं, और उसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल टर्म्स। एक चीज, इसके साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और सीखनी है, और वो क्या है, मान लीजिए रिएक्शन है आपका एन वन ए गिव्स एन टू बी एंड दैट गिव्स अ प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, एक हो दो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताइए डिफरेंशियल रेट लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज गुड, रिएक्टेंट के टर्म में लिखना है तो माइनस लगा लेंगे, पहले लिखेंगे माइनस डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब बताइए इसका कोफिशियंट है तो इसको मुझे इग्नोर करना होगा या मेंशन करना होगा, मेंशन करना होगा ना, कहाँ, डिनोमिनेटर में, ठीक। दैट इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब बताइए इसका कोएफिशिएंट कितना, टू एन टू, तो यहाँ पे एन टू लिख देंगे। इसी तरह अगर मैं प्रोडक्ट्स के टर्म में लिखना चाहूँ तो यहाँ तो प्रोडक्ट ऐसे दे दिए हैं, या फिर काम करिए इसको आप ऐसे लिख दीजिए एन थ्री सी प्लस एन फोर डी, ऐसे थोड़ा और आसान हो जाएगा, लिख सकते हैं। तो बताइए मैं क्या लिख दूँ, माइनस लगेगा कि नहीं, नहीं लगेगा, क्योंकि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन लगातार बढ़ता रहता है। सो डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कितना एन थ्री, दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ अगेन कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई एन फोर, कर सकते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताइए, क्या रेट
इसकी इक्वल आएगी, क्या रेट इसके इक्वल आएगी या इन सबके इक्वल आएगी? हाँ सबके इक्वल आएगी, क्योंकि मैंने एक चीज आपको बहुत पहले ही क्लियर किया था कि अगर रिएक्शन सेम है तो उसकी रेट भी सेम ही आएगी। क्लियर है? तो चलिए अब मैं चाहे रेट को ए के टर्म्स में लिखूं या बी के टर्म्स में लिखूं या सी या डी के टर्म्स में लिखूं, मुझे चारों तरफ से वैल्यू क्या आनी है? सेम आनी है। एक चीज़ यहाँ से आपने सीख लिया, इसी के साथ साथ आप दूसरी चीज़ भी सीखें। यहाँ पर अगर आप रेट लॉ लिखना चाहें या रेट एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो बताइए उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? हाँ आप लिखते हैं रेट इज इक्वल टू के, बताइए रेट लॉ में हम किसी कंसंट्रेशन लेते हैं? सिर्फ रिएक्टेंट्स की, यानी कि ए इंटू बी, राइट। अब पावर लगाएंगे, आप देखिए यही मेरा रिएक्शन है एन वन एन टू एन थ्री एन फोर, तो मैं पावर में एन वन एन टू लिखूँ या एक्स वाई? हाँ मुझे पावर में एक्स वाई लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई कमेंट नहीं किया गया है कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है या नहीं है। अगर एलिमेंट्री कह देता तो मैं क्या लिखता पावर में एन वन और एन टू, क्योंकि इसने कुछ नहीं कहा तो मैं हमेशा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मान के चलूँगा, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में पावर को हमेशा हम क्या रखेंगे? एक्स और वाई। बात समझ में आ गई? अच्छा ये वैल्यू भी किसकी है? रेट ऑफ रिएक्शन की। ये दूसरे तरीके से आया, वो पहले तरीके से आया। अब मुझे ये बात बताइए, क्या सेम रिएक्शन की रेट ये भी निकालने के काम आएगी और ये भी तरीका काम आएगा? बात सही है या गलत? सही है ना? तो बस आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे क्योंकि मैं आगे इसको यूज करने जा रहा हूँ। तो चलिए पहले तो हमें यूज करना है एक टॉपिक, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट रेट कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि अब दो अलग अलग रेट कॉन्स्टेंट मुझे मालूम चल गए, एक कहाँ से? फर्स्ट वाले पार्ट से, और दूसरा यहाँ से। तो मैं दोनों को अब रिलेट करने की कोशिश करूँगा। देखिए कैसे करेंगे, पहला एक रिएक्शन आप लिख लेंगे कोई भी अननोन रिएक्शन, यानी कि ये एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स किसी को कोई जानकारी नहीं है, तो आप लिखेंगे यूजिंग डिफरेंशियल रेट लॉ। अगर आप डिफरेंशियल रेट लॉ लगाए तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे? माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए अपॉन एन वन माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी अपॉन एन टू इज इक्वल टू, फिर आप लगाएंगे डी बाई डी टी ऑफ सी अपॉन एन थ्री, यहाँ लिखेंगे आप डी बाई डी टी ऑफ डी अपॉन एन फोर, लिख लेंगे इतना। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे? रेट लॉ लगाएंगे। बताइए रेट लॉ लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स इन टू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। आगे देखें, नेक्स्ट क्या दिया है? सिंस रिएक्शन इज सेम, हाँ क्योंकि रिएक्शन सेम है इसका मतलब रेट इन ऑल पॉसिबल वेज विल बी ऑल्सो सेम, चाहे रेट हम यहां से सॉरी अब देखिए चाहे मैं रेट यहां से कैलकुलेट करूं या डिफरेंशियल रेट लॉ से, अब डिफरेंशियल रेट लॉ में भी मैं चाहूं तो रिएक्टेंट से टर्म्स में प्रोडक्ट्स के टर्म में किसी के टर्म्स में भी निकालूं, क्या वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन सेम आएगी अलग अलग? सेम आएगी, क्योंकि रिएक्शन सेम है तो वैल्यू भी सेम आएगी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन सेम आएगा। बात मेरी समझ में आ रहा है आपको? कर सकते हैं? तो चलिए अगर कर सकते हैं तो मैं अब इनको रिलेट करूँगा। पहले मैं ए के टर्म्स में करता हूँ, तो बताइए ए के टर्म्स में मैं रिएक्शन लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा? रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन एन वन, यही आएगा, यही आया भी था, आप चाहे तो देख लें ए के टर्म्स में यही वैल्यू आई थी। इस वैल्यू को मैं किसके इक्वल करूंगा? एक बार इसके इक्वल, फिर मैं क्या करूंगा? इस वैल्यू को एक बार इसके इक्वल करूंगा। ऐसे करके मैं एक पैटर्न चेक करूंगा, मुझे एक पैटर्न मिलेगा, उस पैटर्न को मैं जनरलाइज कर दूंगा और फिर उसको आगे हम यूज किया करेंगे। बात समझ में आ गई आपको? कर सकते हैं? चलिए तो देखिए ए के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन ये होगा और दूसरा ये होता है। अब देखिए मैं यहाँ से इनको रिलेट करना चाहूँ तो देखिए मैं क्या करूँगा, मैं पहले ये जो एन वन है ना इसको उस साइड भेज दूँ, तो देखिए यहाँ अपॉन में था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड, मल्टीप्लाई में। अब आप ध्यान से देखें एन वन क्या है मेरा? एक कॉन्स्टेंट है। एन वन क्या होता है? स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था रिएक्टेंट ए का। के क्या है? ये भी रेट कांस्टेंट है। क्या मैं दोनों कांस्टेंट को हटा के एक सिंगल कांस्टेंट डिफाइन कर दूं क्या? हाँ कर सकते हैं ना। तो मैंने इनको हटा के एक नया कांस्टेंट डिफाइन कर दिया जिसको मैंने क्या कहा?
के ए क्यों? क्योंकि मैं ये किसके साथ कंपेरिजन कर रहा हूँ, रिएक्टेंट ए के टर्म्स में, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया के ए। फिर यहाँ क्या बचा, ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। अब ध्यान से देखिए आप, आपको जो लेफ्ट साइड में वैल्यू बची है वो क्या है, माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए। आपको एक चीज़ और याद होगी, मैंने कहा था अगर कहीं पे आपको माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए मिल जाए और कहीं आपको माइनस डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई कोई कोफिशियंट, मान लीजिए एन वन मिल जाए, तो दोनों का अंतर आपको याद रखना है, दोनों सेम बिल्कुल नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, दिस वन इज नोन एज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, यानी कि रिएक्टेंट ए कितनी रेट से कम हो रहा है, हाँ कितनी रेट से कम हो रहा है, जबकि ये क्या है, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए। हाँ, जब भी कोफिशियंट अगर आपने साथ में लिखा है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करेगा, अगर आपने कोफिशियंट को इग्नोर कर दिया है, कोफिशियंट नहीं है, तो रेट ऑफ अपियरेंस या रेट ऑफ डिसअपियरेंस वो मुझे देगा, डिपेंडिंग ऑन द साइन, माइनस है तो डिसअपियरेंस, प्लस रहेगा तो अपियरेंस, यानी को प्रोडक्ट के लिए बात करेगा। तो बताइए मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, इसको हटा के मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, क्योंकि माइनस के साथ है, तो देखिए मैंने लिखा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू, यहां से क्या मिला मुझे, नया कॉन्स्टेंट के ए और ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। अब मैं यहां से अगर ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहूं, अगर मैं यहां से कांस्टेंट ए की वैल्यू बताना चाहूं, तो बताइए मैं क्या कहूंगा, दिस इज एन वन इंटू के इक्वल है, क्योंकि इसी के मल्टीपल प्रोडक्ट को हटा के मैंने के ए लिखा है, तो के ए मुझे कहां से मिला, एन वन इंटू के से। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसको एक जगह लिख लेता हूं, मुझे क्या मिला, के वन इज इक्वल टू, के वन नहीं के ए लिख रहा हूं, एन वन इंटू के, ये मिल गया। अब मैं अगर यही काम B के लिए करना चाहूँ, आइए B के लिए भी करके देखते हैं, तो B के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन में क्या लिखेंगे हम, माइनस d बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाई इस कोफिशिएंट n2, टू दैट विल बी इक्वल टू रेट लॉ, दैट इज के ए टू द पावर x एंड b टू द पावर y, सही है। अब बताइए मैं क्या करूँ, इसको इधर शिफ्ट कर दे, अगर मैं इधर शिफ्ट करूँ तो ये क्या बचेगा, यही मैं लिख भी देता हूँ, अब आपको समझ में आ ही रहा होगा। ध्यान से देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, हाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, अगर मैं इसके लिए डिफाइन करूँ तो एन टू तो उधर चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा, के इन टू एन टू, ये बन जाएगा a टू द पावर x, ये बन जाएगा b टू द पावर y, ये स्मॉल n रखेंगे, ये भी कांस्टेंट, इनको हटा के हम नया कांस्टेंट डिफाइन करेंगे। बताइए मैं इसको किस सिंबल से लिखूं, k से, k a से, k a डैश से या k b से, हाँ k b से, क्योंकि इस बार मैं किस लिए डिफाइन कर रहा हूँ, b के टर्म्स में, तो मैं इसको लिखूंगा k b, फिर a टू द पावर x एंड b टू द पावर y, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब यहीं पर एक चीज़ आपको देखना है, ये जो k b मिला मुझे, ये के बी कहाँ से मिला मुझे, इसके जगह पे मिला, तो मैं एक वैल्यू यहाँ पे और लिखूँगा, देखिएगा क्या मैं के बी को एन टू इन टू के लिख सकता हूँ, देख के बताइए, क्या मैं के बी को एन टू इन टू के लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, क्या मुझे बार बार करने की ज़रूरत है, आप मुझे बता सकते हैं अगर मैं के सी निकालना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा, हाँ के तो सेम मिलेगा, बदल क्या जाएगा, एन थ्री, यानी कि उसका कोफिशिएंट, तो बस अब मैं यहाँ से जनरलाइज कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ, के सी की वैल्यू एन वन एन टू, अब क्या मिलेगा, एन थ्री इन टू के, इसी तरह अगर मैं के डी डिफाइन करने चलूँ, वेरी गुड, एन फोर इन टू के, ये बात समझ में आ रही है या नहीं, आ रही है ना, कर सकते हैं या कोई दिक्कत है, नहीं है तो चले आइए, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अपने टॉपिक पर लौटते हैं हम लोग, ये तो हो गया था ना सर, ये भी कर लिया था हमने, ठीक। तो देखिए यहाँ से मैं एक स्टेटमेंट बनाऊंगा, आप स्टेटमेंट बस ध्यान से देखें, याद तो आपको रह ही जाएगा, देखिए स्टेटमेंट में क्या दिया है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट ए इज इक्वल टू, यानी कि के ए
इज इक्वल टू स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट, यहाँ पे कांस्टेंट लिखा गया है, हाँ कांस्टेंट नहीं होगा, इसको आप सही कर लेंगे, स्टोकियोमेट्री कोफिशियंट इनटू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। पता नहीं ये पार्ट विजिबल है या नहीं, हम बोल देते हैं आप लिख लीजिएगा, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट ए, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के ए इज इक्वल टू स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट जो कि एन वन आएगा इनटू रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, लिख सकते हैं ये जनरलाइज टर्म है, ये सबके लिए काम आएगा। अभी आप समझेंगे कैसे, रुकिए उसको भी कर देते हैं फिर से एक बार। अब देखिए मैं इसी को डिफाइन करना चाहूँ इसको, तो मैं क्या लिखूँगा, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट ए लिखूँगा ना, या फिर यहाँ से लिखते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट सी इज इक्वल टू एन थ्री, क्या है इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू के, क्या है ये भी तो रेट रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन का कांस्टेंट है, लेकिन ये कौन सा है, ए के टर्म्स में बी के टर्म्स में या पूरे रिएक्शन का, हाँ दिस इज द रेट कांस्टेंट फॉर द होल रिएक्शन, बस यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, वेरी गुड, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट डी इज इक्वल टू स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट फोर, डी होगा ना, हाँ डी यानी कि एन फोर इंटू रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि आपको एक फॉर्मूला मिल गया, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, आपको लास्ट के जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वहाँ पे ये काम आता रहेगा, याद रखेंगे। चलिए तो आपको ये चीज़ दिख रहा होगा, आपको इस फॉर्म में याद रखना उसको, क्या ये के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, यानी कि ये जो कांस्टेंट है रेट कांस्टेंट, चाहे वो रिएक्टेंट के लिए हो या प्रोडक्ट के लिए, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन। अब मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्या दिया है देखिए, 2a plus 3b gives c, find the relation between k1, k2 and k3, हमें k1, k2 और k3 के बीच का रिलेशन निकालना है, if k1 is the rate constant for the disappearance of a। चलिए क्वेश्चन तो दिखना चाहिए ना, यहीं करते, कह रहा है k1 क्या है, it is the rate constant for disappearance of a, बताइए k1 को आप क्या लिखेंगे, very good, याद है k1 को हम क्या लिख सकते हैं, k इंटू स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट, या अगर फॉर्मूला आपको वैसे याद है तो आप वैसे फॉर्मूला देखिए, तो उसमें क्या था, k1 वन इज इक्वल टू ये कोफिशियंट वाला टर्म पहले था स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट इंटू रेट ऑफ द रिएक्शन। अब मान लीजिए यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, k होगा, क्योंकि इसने दिया नहीं है तो मैं नॉर्मल k मान के आगे बढ़ रहा हूँ, तो बताइए k1 मुझे निकालना है ना, मैं क्या लिखूँगा, k1 वन इज इक्वल टू स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट, बताइए तो दिख नहीं रहा है, चलिए हाँ दिखा, अब कितना है a के टर्म्स में 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने कितना माना k, ये बन गया मेरा क्वेश्चन नंबर वन, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मुझे क्या मिल गया, k1 वन इज इक्वल टू 2 इंटू k, इसी तरह अब मैं लिखूँ किसके लिए, k2 के लिए, तो बताइए मैं k2 के लिए क्या लिखूँगा, गुड, उसका कोफिशियंट b के लिए यानी कि 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज k, यानी कि मुझे क्या मिल जाएगा 3k, सो k2 इज इक्वल टू 3 इंटू k। अब प्रोडक्ट के टर्म में लिखते हैं c, यानी कि k3 इज इक्वल टू इसका कोफिशियंट कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा जो कि छिपा हुआ है, सो 1 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन k, यानी 1 इंटू k, 1 इंटू k को हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ k लिख सकते हैं, बट फिर भी आप चाहें तो 1 इंटू k लिख लें। मुझे इनको रिलेट करना है तो मुझे क्या करना होगा, सारी वैल्यूज को एक टर्म्स में निकालना होगा, देखिए कॉमन टर्म क्या मिल रहा है, k1, k2, k3 नहीं, 2, 3, 1 नहीं, k, k, k हाँ ये कॉमन टर्म मिला, यानी कि मैं इस रिएक्शन से k की वैल्यू निकालूंगा। तो बताइए अगर मुझे k निकालना है तो 2 को इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, डिवाइड, यानी कि k1 अपॉन 2 बनेगा, बात समझ में आ रही है आपको, कर सकते हैं। अब बताइए इसी तरह से मैं सेकेंड इक्वेशन देखूं, k की वैल्यू चाहिए तो 3 को इधर भेजूंगा, क्या बन जाएगा, k2 अपॉन 3, यहां से k की वैल्यू निकालिए, हाँ ये तो k3 के ही इक्वल आएगा,
आएगा ना। ठीक है, ये भी के, ये भी के, ये भी के, ये सब के की वैल्यूज है। के की वैल्यू ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी कि सारी वैल्यूज क्या होंगी, हाँ, एक दूसरे के इक्वल होगी। तो लिख लेते हैं के इज इक्वल टू के वन अपॉन टू, दैट इज इक्वल टू के टू अपॉन थ्री, एंड दैट इज इक्वल टू के थ्री। ये हमें करना था, इनके पीछे रिलेशन निकाला था, रिलेशन निकाल लिए। देखिए क्या है, के वन अपॉन टू के टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू के थ्री, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही। कर सकते हैं, आसान था। हाँ, बस आपको करना क्या था, अभी जो आपने ऊपर रिलेशन सीखा उस रिलेशन का यूज करके सबके लिए क्वेश्चन बनाना था। फिर आपको देखना है इनमें कॉमन क्या है, जो कॉमन है उसके लिए सारी वैल्यू निकाल लेंगे और सबको एक दूसरे के इक्वल दिखा देंगे, कर लेंगे। चलिए, ये है उसका सॉल्यूशन, आप पीडीएफ में आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जो कि हम लोग देख लिए। ये आपके लिए होमवर्क है, सेम लाइन पे क्वेश्चन का आपको करना है, आप कर लेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा और बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्या, ये हमें पहले ये बताएगा कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मुझे उससे क्या फ़ायदा है, या मुझे उससे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में क्या पता चलेगा। दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू गेट। आइए डिस्कस करते हैं। अब मैंने कोई एक रिएक्शन लिख लिया, मान लीजिए ए प्लस बी गिव्स अस सी, और अगर मैं एक्स की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट करूँ, तो मान लीजिए एक पल के लिए आपको मानना है कि मुझे रेट लॉ क्या मिला, के ए टू द पावर वन एंड बी टू द पावर टू मिल गया। मैं यहाँ रेट लॉ लिख लेता हूँ, दैट वी हैव गॉट इज रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर वन एंड बी टू द पावर टू। मान लीजिए, मान लीजिए कि आपको ऐसा मिल गया। पहली चीज़ बताइए, इसका ऑर्डर अगर मुझे पता लगाना हो तो कितना लिखूँगा, बहुत सिंपल, कितना आएगा, थ्री। ऑर्डर क्या होता है, इनके पावर का सम, इसका पावर वन, इसका पावर टू। यहाँ दिख नहीं रहा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि नहीं है, पावर वन है, इसका पावर टू है, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, थ्री। लेकिन मुझसे ऑर्डर नहीं पूछ रहा है, वो ये कह रहा है कि आप मुझे बताइए इससे रेट ऑफ रिएक्शन पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये देखना आना चाहिए, अगर मैं इस के को हटा दूं तो ये सिंबल वापस से किसमें बन जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी में, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस टू द पावर टू। लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं पहले दो अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड कर लेता हूँ, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, पहला पार्ट ये है। आप बताइए इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे रेट बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे ये घटेगा वैसे वैसे ये भी घटेगा। अब बताइए अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल करूँ, कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मैं अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए को ट्रिपल कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए को हाफ कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, हाफ। अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए को फाइव टाइम्स कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, फाइव टाइम्स। ये तो तब हुआ जब मैं ए और रेट को देख रहा था, अब मैं किसको देखूंगा, रेट और बी को। तो आइए इसके लिए भी हम व्यवस्था करते हैं, दैट इज रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। ऑर्डर का यही इंपॉर्टेंस है, अब आपको समझ में आएगा ऑर्डर का इंपॉर्टेंस क्या है, यही तो है इसका ऑर्डर बी के रिस्पेक्ट में, टू। अब देखिए अगर मैं बी को डबल करना चाहूं तो बताइए मेरा रेट क्या होगा, हाफ, डबल, सेम या फोर टाइम्स। हाँ, इसका हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन फोर टाइम्स। अभी आपको माइंड में चल रहा होगा ऐसा क्यों, कैसा, क्या हो गया, ध्यान दीजिए पावर, जब आप इसको डबल करेंगे तो आप बी की जगह पे क्या लिख देंगे, टू टाइम्स, यानी कि टू, उसका स्क्वायर कर देंगे, ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, फोर। यानी कि देखिए रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम से बढ़ रहा होगा, फोर टाइम से बढ़ रहा होगा, ये चीज़ आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट आप ट्राई करें, अगर मैं कंसंट्रेशन को चेंज करके कितने गुना कर दूं, थ्री टाइम्स, तो आप मुझे बताएं रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स बढ़ेगा,
ऑप्शन है 3 times, 6 times, 9 times या 12 times। हाँ, करेक्ट आंसर होगा 9 times। कैसे 6 क्यों नहीं? हमने ये थोड़ी कहा था कि 3 into 2 करना आपको। मैंने कहा यहाँ पर आप 3 रख के देखिए, जितने टाइम्स करना है उस वैल्यू को यहाँ उठा के रखिए। मैंने 3 times किया, मैंने यहाँ 3 रखा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी कि ये 9 times रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। बात कुछ समझ आई? एक और, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ बी को 5 times कर दूँ तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन विल बी वेरी गुड, 25 times। हाँ, यानी कि मुझे ये जो ऑर्डर है ना, मुझे ये बता रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बदलने पर रेट ऑफ रिएक्शन कितनी स्पीड से बढ़ेगा या घटेगा, ये डिफाइन करता है। क्योंकि जब आप कंसंट्रेशन ऑफ बी को घटा देंगे तो ये भी घटने लगेगा, वो अलग चीज़ है। मतलब मुझे ये बताता है कि ये ऑर्डर, आप बी की वैल्यू चेंज करो तो किस रेशियो में ये चेंज होगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये ऑर्डर डिसाइड करता है। अब मान लीजिए, वैसे इसमें तो नहीं है बट इक्वल के लिए आप मान लें कि अगर ये ऑर्डर में मेरा 3 दिया होता और मैं बी को डबल कर दूं, कंसंट्रेशन ऑफ बी को 2 times कर दूं, तो क्या मुझे बता सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स होगा? वेरी गुड, कितना टाइम्स हो जाएगा? 8 times हो जाएगा सीधे। कैसे? फिर से वही बात, जिसको डबल करना है ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। आपने 2 रख दिया, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 times। ऐसे अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ बी को 3 times यहाँ कर दूँ तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? 27 times इंक्रीज होगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन में ऑर्डर का क्या रोल है। ऑर्डर मुझे क्या बताता है? ऑर्डर टेल्स मी ऑलवेज दैट इफ यू आर चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर, यू कैन गेस हाउ मेनी टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन विल गेट चेंज्ड। रेट ऑफ रिएक्शन कितनी टाइम्स चेंज होगा आप उसको गेस कर सकते हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर। आइए, तो देखिए चीजें तो आप समझ ही गए हैं, बस ये जो लिखा हुआ आपको हम ये बता दें, इसको थोड़ा बड़ा कर लेना, ठीक है। देखिए क्या दिया है, द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन टेल्स अस दैट हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस ऑन चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम से कैसे चेंज होगा, यही बताता है हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, इन एबव केस इफ वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, अगर आप रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन को डबल करें तो देखिए ऊपर वाले रेट वाले केस को अगर मैं लिख लूँ रेट लॉ को, क्योंकि आपको यहाँ विजिबल नहीं है, तो वो क्या था, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1 था ना सर, और बी टू द पावर 2 था। चले मान लीजिए ये है, तो इस केस में अगर आप ए को डबल करें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, डबल, क्योंकि इसका पावर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना ये चेंज होगा उतना ये भी चेंज होगा। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन विल बी ऑल्सो डबल्ड। दूसरा, इफ़ यू डबल द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी, अगर आप बी को डबल करें तो ये 2 का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 4 times, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बी 4 times इट्स इनिशियल वैल्यू। बस यही छोटी सी चीज़ थी, समझ तो गए ही होंगे आप। चले इसी का तो आप वेट कर रहे थे, रेट लॉ का एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन या ऑर्डर का एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर। आपको एक क्वेश्चन हम करके दिखाएंगे, फिर आपको सेम लाइन पे अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा राइट, जैसे ये क्वेश्चन मेरे सामने दिया गया है, आपको सेम टू सेम ऐसे एक रिएक्शन दी जाएगी, उस रिएक्शन के लिए डेटा दिया गया रहेगा, आपको उस डेटा से ढेर सारी चीज़ें निकालने को कही जाएंगी। मुझे इस डेटा से क्या क्या निकालना है, मैं यहाँ से ऑर्डर कैलकुलेट करूँगा, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए मैं रेट कांस्टेंट भी डिफाइन करके वैल्यू निकालूँगा। तो पहले तो मुझे ये जो रिएक्शन दी गई है, क्या इस रिएक्शन का मैं रेट लॉ लिख सकता हूँ? नहीं, आप कह सकते हैं नहीं लिख सकते, क्यों?
क्योंकि इसमें कहीं भी इसने ये मेंशन नहीं किया है कि जो रिएक्शन है दैट इज एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। अगर नहीं पता है तो हमेशा जो मुझे डेटा दी जाएगी मैं उस डेटा को यूज करके इसको सॉल्व करूँगा। तो देखिए मैं इसके लिए रेट लॉ लिखने चलूँ तो मैं रेट लॉ क्या लिखूँगा, रेट इज इक्वल टू के, हाँ एनओ है और एच टू है, कंसंट्रेशन ऑफ एनओ प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एच टू, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि ये एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स, तो मैं इसको कॉम्प्लेक्स मान के चलूँगा और पावर में एक्स और वाई लिखूँगा, ना कि उनका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। एकदम क्लियर होना चाहिए, ये होगा ना। तो चलिए आइए डिफाइन करते हैं। यहाँ पर रेट की वैल्यू कुछ दी गई है क्या? हाँ, ध्यान से देखिए, रेट की वैल्यू पहले वाले वैल्यूज में कितना दिया है, 3 × 10⁻¹⁵। मैं इसको लिखूँगा, कहाँ गया, ठीक है 3 × 10⁻¹⁵। यूनिट्स को हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल मैं डेटा लिख लेता हूँ। और एनओ का कंसंट्रेशन 5 × 10⁻³। तो यहाँ के, यहाँ हो जाएगा 5 × 10⁻³ के पावर एक्स। फिर कंसंट्रेशन ऑफ एच टू की बात करें तो देखिए कितना है, 2.5 × 10⁻³। तो एच टू की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, 2.5 × 10⁻³⁵y। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट डेटा से। अब इस तरह मैं सेकेंड डेटा से लिखना चाहूँ तो सेकेंड डेटा के लिए रेट कांस्टेंट कितना है, 9 × 10⁻⁵। तो आप इसको लिखेंगे 9 × 10⁻⁵ इज इक्वल टू के, फिर मुझे क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ एनओ सेकेंड एक्सपेरिमेंट से। तो देखिए सेकेंड एक्सपेरिमेंट में एनओ की वैल्यू है 15 और हाइड्रोजन की वैल्यू है 2.5। तो ये हो जाएगा 15 × 10⁻³ पावर एक्स और ये हो रहा है 5। तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻³⁵y। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से इन द सेम वे हम थर्ड लिखेंगे, थर्ड डेटा से। थर्ड डेटा कितना है, 36 × 10⁻⁵। सो दिस इज गोइंग टू बी 36 × 10⁻⁵ इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ऑफ एन टू देखना है, 36 है ना, हाँ ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एन टू 15 और एच टू 10, एन टू 15 एंड एच टू इज 10, सो इट विल बी 10 × 10⁻³⁵y इक्वेशन नंबर 3। ये तो आप सिंपल इक्वेशन, ये इक्वेशन लिख के सब कॉपी पेस्ट कर लेंगे डेटा से, कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ से करना क्या है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मुझे यहाँ से ये जो x और y दिख रहे हैं ना इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तभी तो ऑर्डर निकालेंगे। तो ठीक है, अब मैं अलग अलग इक्वेशंस को डिवाइड करूँगा। देखिए ये 3, 9, k, 5, 15, 2.5, 5, इसमें तो कुछ सेम नहीं है, आप वो ढूंढिए जिसमें कोई एक पैटर्न सेम मिले आपको। देखिए ये डिफरेंट है 5, 15, ये भी सेम नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, वेट ए मिनट, एक मिनट वैल्यूज हम एक बार चेक कर लेना, क्या दिया है 15, 2.5, 2.5, सेकेंड वाले में तो 2.5, ओहो ये वैल्यू गड़बड़ है, यहाँ पे 2.5 हुआ, इसीलिए नहीं मैच कर रहा था ना। देखिए सेम सेम दिया रहेगा, तो आप देखिए इन पूरे टर्म्स में ये वैल्यू सेम सेम है ना, तो आप क्या करिए फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर दीजिए। तो मैं क्या लिखूँगा, ऑन डिवाइडिंग सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट, अगर मैं सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करूँ तो देखिए मुझे क्या लिखना होगा, सेकेंड वाले को ऊपर फर्स्ट वाले को नीचे, यानी मैं क्या लिखूँगा 9 × 10⁻⁵ अपॉन, पहले आप पूरा इसको लिख ले, दैट इज के इंटू 15 × 10⁻⁵, के इंटू 15 नहीं है, 1.5 × 10⁻³⁶x, नहीं 15 है ना, हाँ 15 है, चलिए कोई नहीं, या ये डेसिमल नहीं है 15 है, फिर इंटू 2.5 × 10⁻³⁶
वाई अपॉन, आप डिवाइड करिए ऊपर वाला, फर्स्ट इक्वेशन 3 × 10⁻⁵ इज इक्वल टू k इंटू 5 × 10⁻x, k × 5 × 10⁻³x एंड दैट इज इक्वल टू 2.5 × 10⁻³ रेस टू द पावर y। ये बात समझ में आ गई, वैल्यूज एक बार चेक कर ले, 5 और 15 है तो ये ऊपर 15 है नीचे 5 है, 50 हाँ ये 50 नहीं ये 5 है ठीक है। चलिए डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के लिए ये 10⁻⁵ से 10⁻⁵ कैंसिल, 3 और 9 को डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 3, यानी यहाँ से मुझे क्या मिल गया 3 इज इक्वल टू, देखिए k से k कटेगा और ये तो कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पर 10⁻³ फिलहाल आप इसको छोड़ें, आप इधर ध्यान दें, ये देखिए पूरा सेम टू सेम है, ये पूरा उड़ गया, आपको क्या बच्चा हुआ मिलेगा, यहाँ मिलेगा 1.5 नहीं है 15 है, 15 × 10⁻³ अपॉन नीचे मिलेगा 5 × 10⁻³ अब हम क्या करेंगे इसको ब्रेक करेंगे, तो देखिए अगर हम ब्रेक करें इसको तो हम क्या लिखेंगे 3 = 15, देखिए ये जो x है ना वो 15 का भी पावर में जाएगा 10 के पावर में भी जाएगा, तो मैं क्या लिखूँगा 15 × 10⁻³। इसी तरह नीचे करेंगे तो 5 × 10⁻³, तो ये और ये तो कैंसिल, क्या मिलेगा 3 = 15/5, देखिए ध्यान से तो दोनों में x कॉमन मिल जाएगा, मिल जाएगा क्या, तो अगर मैं x को फिर से कॉमन कर लूँ ये क्या बन जाएगा 15/5, इसको भी डिवाइड करिए क्या बन जाएगा 3, इसको और अच्छे से लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 = 3×x। आप बताइए इस x के जगह पे मैं क्या लिखूं कि मुझे वैल्यू 3 ही मिले, एक तो ये तरीका होता है 1 आएगा, या फिर आप देखिए कि यहाँ पर 3 के पावर कितना है, कुछ नहीं दिख रहा, इससे मतलब कितना होगा 1 होगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो क्या मिल जाएगी 1, बात समझ में आ गई आपको, यानी कि अब आपको x की वैल्यू मिल गई, इसी तरह हमें क्या चाहिए होगा y की वैल्यू, तो देखिए y की वैल्यू के लिए फिर मुझे डिवाइड करना होगा, अब इस बार मैं इनको हटा दूं किसी और को डिवाइड करूंगा, ठीक है। अब देखिए इसमें सेकेंड और थर्ड में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, ये और ये कॉमन है ना, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, हाँ y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा थर्ड को सेकेंड से डिवाइड कर रहा हूँ, पहले थर्ड को मैं ऊपर लिख लूँ, अगर मैं थर्ड को ऊपर लिखूँ तो क्या लिखूँगा 36 × 10⁵ इज इक्वल टू k × 15 × 10⁻³ एंड 10 × 10⁻³ y। ये तो क्या ऊपर का पार्ट, अब मैं नीचे की पार्ट लिखूँ, तो देखिए नीचे की पार्ट में 9 × 10⁻⁵ मिलेगा मुझे और k × 15 × 10⁻³ और यहाँ मिलेगा मुझे 2.5 × 10⁻³ y। आप एक बार इसको चेक कर ले, हाँ सही है। तो अब बस देखिए इनको डिवाइड करते हैं 10⁻⁵ से 10⁻⁵, 9 और 36 को डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा यहाँ पर 4, k से k कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा पार्ट सेम है, कॉपी पेस्ट खत्म। अब देखिए मुझे क्या मिल गया यहाँ से, वी हैव गॉट 4 = यहाँ देखिए पावर दोनों के ऊपर है तो मैं इसको क्या लिखूँगा 10⁻⁵ × 10⁻³y, क्या मैं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, तो बताइए नीचे 2.5 × y × 10⁻³y। अब देखिए फिर क्या कॉमन मिलेगा, ये और ये क्या है, अब अगली लाइन में लिखते हैं, मुझे क्या मिल गया 4 × 10⁻⁵ / 2.5 × y, इसमें क्या कॉमन है y, तो कॉमन कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 10 / 2.5
और कॉमन वाला वाई कहाँ चला गया, ऊपर। आप इसको डिवाइड करेंगे, ये फोर टाइम्स पर डिवाइड होगा, आप करके देख लीजिएगा। तो क्योंकि ये फोर टाइम्स पर डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा फोर टू दी पावर वाई। आप बताइए इस फोर को हम क्या लिख सकते हैं, फोर के पावर वन, और ये है फोर के पावर वाई। यहाँ से वाई की वैल्यू गेस करेंगे फिर क्या मिल गया आपको, वन। यानी कि आपको एक्स की वैल्यू भी मिल गई और वाई की वैल्यू भी मिल गई। कितना मिला, यू हैव गॉट एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू वन। मुझे पहले ऑर्डर कैलकुलेट करना था, तो बताइए ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुड। एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई वन प्लस वन यानी कि टू, मेरा पहला काम हो गया। मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना था, मैंने निकाल लिया, टू आ गया। ध्यान रहिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने कैसे निकाला है, एक्सपेरिमेंटली। अब तो आप कहेंगे सर एक्सपेरिमेंट तो आपने किए नहीं, हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया जाएगा, आपको उसी डेटा की हेल्प से इसको करना था, क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट, पहले हम इस आंसर को मैच करते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखिए ऑर्डर की वैल्यू आ जाएगी टू, कर सकते हैं। अब क्योंकि आपको ये पता चल गया है तो मुझे k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्या कैलकुलेट करना है, k, ठीक है। तो मैंने पहले रेट लॉ को अच्छे से साफ साफ लिख लूँ, बताइए रेट लॉ क्या हो गया है, k कंसंट्रेशन ऑफ NO के पावर, x था ना तो x अभी लिख ले, फिर कंसंट्रेशन ऑफ H2 के पावर y। क्या मुझे x और y की वैल्यू पता है, पता है ना, तो लिख लेते हैं रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ NO, नहीं पावर x की वैल्यू कितनी आई थी, 1। क्या 1 को लिखते हैं या छोड़ देंगे, हाँ छोड़ देंगे, वैसे छिप जाएगा H2 का, इसका भी पावर छिप जाएगा, लेकिन मुझे तो k निकालना है। यानी k निकालने के लिए चाहिए मुझे क्या क्या चाहिए, रेट चाहिए, NO और H2 का कंसंट्रेशन चाहिए। ये कहाँ मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा, मेरे एक्सपेरिमेंटल डेटा में तीन तीन डेटा दिया गया है। देखिए इस एक्सपेरिमेंटल डेटा में तीन तीन डेटा दिया गया, कोई भी एक डेटा यूज कर ले। मान लीजिए हम इसमें कुछ और लिए हैं, हम यहाँ कुछ और लेकर आपको दिखा देते हैं, मैं ये लास्ट वाला लेकर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। रेट की वैल्यू 36, 10 और 15, तो देखिए रेट की वैल्यू वहाँ था 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू के, NO कितना था, 15 था ना, हाँ मेरे हिसाब से शायद वही था, 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एंड N2 कितना था, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। आप इनको सॉल्व कर दें, क्योंकि पावर कुछ है नहीं तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे, ये हो जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा k इंटू, आप इसको सॉल्व करें तो 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस 3, सॉल्व करेंगे तो हो जाएंगे माइनस 6 हो जाएगा। क्योंकि मुझे सिर्फ k चाहिए तो मैं k को यहीं रखता हूँ, और इन टर्म्स को उठा के क्या करूँगा, मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूँगा। अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा। माइनस 6 को ऊपर भेज दीजिए क्या बन जाएगा, प्लस 6। आइए अगले पेज पे करते हैं, हमें k की वैल्यू मिल गई है 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अब ऊपर नीचे से वैल्यू हम ऊपर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, 10 के पावर प्लस 6 अपॉन 150। मुझे इसको सॉल्व करना है, पहले मैं इसको लिखूँ 36 इंटू माइनस 5 प्लस 6 को सॉल्व करेंगे तो प्लस 1 यानी कि 10 बन जाएगा अपॉन 150। तो ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 15 और 36 ये किसी डिवाइड हो जाएंगे, 3 से, हाँ 3 5 जा 15 एंड 12 3 जा 36, क्या मुझे मिल गया 12 अपॉन 5। इसको भी डिवाइड करें तो देखिए 5 2 जा 10, हाँ मेरे हिसाब से ये 2.4 आएगा, क्या आएगा 2.4। लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है, ये तो कैलकुलेशन था आप भी कर लेंगे, इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या बन जाता है, इसकी यूनिट क्या आएगी। हाँ समस्या ये है कि यूनिट क्या आएगी, फिलहाल हम यूनिट पे भी काम करेंगे, एक बार हम आंसर को मैच कर ले या यूनिट भी कर ले, चलिए यूनिट भी कर लेते हैं। देखिए यूनिट के लिए मुझे वापस अपना रेट लॉ देखना पड़ेगा, क्या है वो, कि कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2, राइट। आपको इतना तो पता है रेट लॉ किसमें आता है, मोलर सेकेंड इनवर्स,
राइट, या मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, आपको जैसे सही लगे वैसे। अभी हम मोलर में ही बात कर लेते हैं, फिर के को वैसे छोड़ दें। बताइए एनओ की यूनिट अगर हम बात करें, एनओ क्या है यहाँ पर, कंसंट्रेशन, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, मोलर। इसकी भी यूनिट क्या आएगी, मोलर। तो बताइए मोलर इंटू मोलर क्या बन गया, मोलर स्क्वायर। तो मुझे क्या मिल गया, मोलर सेकेंड इनवर्स इक्वल टू के इंटू मोलर स्क्वायर। मुझे तो सिर्फ के के लिए यूनिट चाहिए, इसको इधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, मोलर सेकेंड इनवर्स अपॉन मोलरिटी का स्क्वायर इक्वल टू के। इसको ऊपर भेजेंगे क्या बन जाएगा, माइनस वन। तो आपको क्या मिल जाएगा, मोलर से स्क्वायर है ना, आप एक काम करिए इस स्क्वायर से इसको उड़ा दीजिए, ये बच गया एम, ये एम ऊपर जाएगा तो माइनस वन बन जाएगा, यानी कि आपको यूनिट मिलेगी मोलर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। हाँ मैं आपकी यूनिट यहाँ लिख दूँ, दिस विल बी मोलर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। या फिर आप बताइए मोलर इनवर्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, फिलहाल मुझे मोलर की वैल्यू तो पता है क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स होता है ना, इसका इनवर्स लगाएंगे तो मोल के पावर माइनस वन, यानी मोल इनवर्स होगा, पावर माइनस वन इंटू माइनस वन क्या बन जाएगा, प्लस वन, यानी कि ये लीटर बन जाएगा। अगर आप इसकी दूसरी यूनिट लिखनी चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं 2.4 मोल इनवर्स लीटर, लीटर पे इनवर्स नहीं है, लीटर और सेकेंड इनवर्स। आइए आंसर चेक कर लेते हैं, देखिए 2.4 मोलर इनवर्स सेकेंड इनवर्स कर सकते हैं। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें एक चीज़ और कैलकुलेट करनी है, देखिए वो है मुझे फाइनल रेट कैलकुलेट करना है इसका, जब कंसंट्रेशन चेंज हो गया तब। तो देखिए इसके लिए भी हम कर लेते हैं, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ रेट का फॉर्मूला तभी हमने कैलकुलेट कर लिखा था, के कंसंट्रेशन ऑफ एनओ एंड कंसंट्रेशन ऑफ एच टू, इसका पावर वन आया था, इसका पावर वन आया था, जो भी आया था वो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब मुझे फाइनल रेट कैलकुलेट करना है, के की वैल्यू मुझे पता है क्या, हाँ ये तो कांस्टेंट, इसकी वैल्यू एक बार कैलकुलेट कर लिए तो वही रहेगा सेम, कितना है ये 2.4, ठीक। अब NO, चलिए बात करिए NO, NO का कंसंट्रेशन मुझे कितना रखना है, वैल्यूज तो बहुत दूर होगी, खैर कोई नहीं, देखिए क्या कह रहा है, NO 0.2 मोलर है और H2 0.5 मोलर है, 0.2 एंड 0.5 याद रखिएगा, 0.2, तो NO की कंसंट्रेशन की वैल्यू मैं लिख दूंगा 0.2 और H2 का कंसंट्रेशन की वैल्यू 0.5। आप इसको रख के सॉल्व कर दें, आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करें 2 5 जा 10, यानी कि डेसिमल दो पार्ट यहाँ पे आ जाएगा 0.10, फिर आप इनको सॉल्व करें तो मेरे हिसाब से ये वैल्यू आएगी 0.24। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं आप, रेट, रेट की यूनिट क्या होती है, मोलर सेकेंड इनवर्स या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये वैल्यू आ जाएगी 0.24। ओके ओके, ये है आपके लिए होमवर्क, कर सकते हैं। आपको देखिए ये डेटा पूरा दिया गया है, इस डेटा से आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, पहला रेट लॉ, दूसरा ऑर्डर, तीसरा कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट के की वैल्यू, फिर चौथा अगर मैं कंसंट्रेशन को बदल के ये कर दूं एनओ और सीएल2 का तो नया फाइनल रेट कितना आएगा वो कैलकुलेट करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक डील करते हैं, यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट्स। ये अच्छा टॉपिक है और बहुत सिंपल सा टॉपिक है अगर आप समझना चाहें तो। अब देखिए ये अलग अलग ऑर्डर के लिए, हाँ अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग यूनिट देता है, ठीक है। तो समझते हैं कैसे, याद करने के पीछे आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आपने रटना शुरू कर दिया तो फिर आपको दिक्कत होगी, और अगर आपको लगता है नहीं रटना आपके लिए बहुत आसान है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम आपको इतना डिटेल में फिर नहीं पढ़ाएंगे, फिर हम शॉर्ट में पढ़ाएंगे ताकि आप आराम से रट सकें, फिर आपको रटने के लिए टाइम ज़्यादा मिल जाए। खैर छोड़िए, हम बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट्स की, फिलहाल हम उसको छोड़िए, उसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं। हम मान लेते हैं कोई भी रेट लॉ लिखते हैं, रेट लॉ क्या होता है, रेट इज इक्वल टू के
कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। ऐसे ही अगर रिएक्शन सी रहता तो जेड आ जाता, कोई इशू नहीं है। ये बताइए दोनों क्या है? हाँ दोनों ही क्या है, रेट है, सॉरी दोनों ही क्या है, रिएक्टेंट है ना। अब देखिए मुझे यहाँ से इसकी यूनिट निकालनी है, तो मैं बताइए इन सबको हटा के क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सब रिएक्टेंट है तो मैं यहाँ पर क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर लिख सकता हूँ ना। अब समस्या ये है कि यहाँ मैं क्या लिखूँ, यहाँ मैं लिखूँगा एक्स प्लस वाई लिखूँगा, क्योंकि ऑर्डर वही आता है एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए ये जो एक्स प्लस वाई है, आप क्या मुझे बता सकते हैं ये एक्स प्लस वाई की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? हाँ ये बिल्कुल बता सकते हैं, एक्स प्लस वाई की वैल्यू जीरो हो सकती है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू वन हो सकती है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू टू हो सकती है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू थ्री हो सकती है, डेसिमल्स में भी हो सकती हैं। फिलहाल हम इसको इग्नोर करें, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये कोई एक नंबर आएगा, एक्स प्लस वाई को सॉल्व करने के बाद कोई एक नंबर आएगा। क्या मैं उस नंबर को एन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे नहीं पता वो नंबर कितना आएगा, हर एक क्वेश्चन का ऑर्डर अलग होगा, ऑर्डर अलग अलग आएगा ना। अगर अलग 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 ऑर्डर आएगा तो उस केस में एन की वैल्यू भी अलग अलग आएगी, तो मैं क्यों ना एक्स प्लस वाई को रिप्लेस कर दूँ किससे, एन से। तो देखिए अब मैं इसको हटा के यहाँ पर क्या लिखूँगा, एन, तो ये क्या बन जाएगा, रेट इज इक्वल टू के रिएक्टेंट के पावर एन। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए रेट की यूनिट क्या होगी, हाँ लिख ही लेते हैं, मोलर सेकेंड इन्वर्स होती है, ठीक। के ये रिएक्टेंट क्या है, कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट है ना, यानी इसकी यूनिट भी क्या होगी, मोलरिटी एम के पावर एन। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ध्यान से बोलिएगा, क्या मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात करूँ तो यूनिट तो मोलरिटी ही रहेगी, कोई भी कंसंट्रेशन हो उसकी यूनिट क्या होती है, मोलरिटी। तो मैं मोलर लिख के पावर एन लिख लूँ, लिख सकता हूँ। अब बताइए अब मैं इसको इधर शिफ्ट करूँ तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, के इज इक्वल टू मोलर सेकेंड इनवर्स अपॉन मोलरिटी के पावर एन। अब बताइए ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस, तो ये बन जाएगा मोलर सेकेंड इनवर्स एंड मोलर के पावर माइनस एन। ये देखिए ए बी एम, ए बी एम, जब भी मुझे बेस सेम मिलता हम पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो कर दीजिए ऐड, क्या बन जाएगा मोलरिटी के पावर, यहाँ पे प्लस वन है, यहाँ माइनस एन है, सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा वन माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। ये बन गया मेरा एक जनरल टर्म, ये क्या बन गया मेरा एक जनरल टर्म, और इसकी हेल्प से मैं रेट ऑफ कांस्टेंट निकाल सकता हूँ। देखिए कैसे, मुझे रेट ऑफ कांस्टेंट के की यूनिट के लिए एक जनरल टर्म मिला है, दैट इज मोलर के पावर वन माइनस एन एंड सेकेंड इनवर्स। अब मान लीजिए मेरा रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है, ठीक है, जीरो ऑर्डर का मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। तो बस के की यूनिट निकालने के लिए आप क्या लिखे, मोलरिटी वन माइनस एन की जगह पर क्या लिख दिए, जीरो सेकेंड इनवर्स। आप सॉल्व करेंगे वन माइनस जीरो की वैल्यू वन, यानी कि आप छिपा सकते हैं और वैल्यू आपको मिल जाएगी मोलर सेकेंड इनवर्स। एक बात, दूसरी, अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हुआ तो भी देख लेते हैं, फिर से वही के लिए मोलरिटी वन माइनस एन सेकेंड इनवर्स। तो देखिए मोलरिटी को वही रहने दें हम, वन माइनस एन, यहाँ पे ऑर्डर वन है ना तो वन लिखेंगे, फिर सेकेंड इनवर्स, बताइए वन माइनस वन की वैल्यू जो जीरो, सेकेंड इनवर्स। देखिए किसी भी नंबर के पावर अगर हम जीरो कर दें तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, वन, यानी कि इस पूरे वैल्यू को हम हटा सकते हैं और मुझे यूनिट क्या मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड इनवर्स। ये किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, रटना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बस आपको निकालने सीखना चाहिए। देखिए सेकेंड ऑर्डर, आप इसको खुद से ट्राई करें, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करें, कर लिया होगा आपने। देखिए इसके लिए आप लिखेंगे फिर से मोलरिटी के पावर वन माइनस एन, सेकेंड ऑर्डर के लिए मैं टू लिखूंगा और सेकेंड इनवर्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, वन माइनस टू की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अगर आप मोल लीटर में लिखना चाहें तो इस सबको हटा के क्या लिख लें, यहाँ पर मोल पर लीटर, और आपका काम वहाँ से भी हो जाएगा। अच्छा याद है पीछे वाले जो क्वेश्चन हमने किया है उसमें ऑर्डर कितना आया था, टू आया था ना, चलिए उसको चेक कर लेते हैं।
अगर मैं मोलैरिटी को हटा दूं तो मैं वहाँ क्या लिखूंगा, मोल लीटर इनवर्स के पावर कितना है, माइनस वन और सेकेंड इनवर्स। तो देखिए यहाँ पावर प्लस वन है, ये माइनस वन, तो माइनस वन हो जाएगा यानी कि मोलैरिटी का इनवर्स हो जाएगा। ये भी माइनस वन था, ये भी माइनस वन था, ये प्लस वन हो जाएगा लीटर और ये बन जाएगा सेकेंड इनवर्स। क्या मुझे वहाँ पर यही यूनिट मिली थी ना, तो ये देखिए सेकेंड ऑर्डर के लिए आ गया। इसी तरह आप थर्ड ऑर्डर के लिए भी कर सकते हैं। अब मैं थर्ड ऑर्डर के लिए आपको बताने वाला नहीं हूँ, हाँ थर्ड ऑर्डर को आप खुद से कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क में एक एक्स्ट्रा पार्ट आ गया। चलिए खैर ये सब तो ठीक ही है, अब हम आते हैं अपने टर्म्स पे। तो ये देखिए सारा टर्म्स वैसे ही है, बस इसमें क्या किया गया है, मोलर को हटा के मोल लीटर इनवर्स रख दिया गया, तो वो आप कर लेंगे, ठीक है, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ये है एक्चुअल इसका फॉर्मूला, जो कि आपको चाहे तो आप याद रख सकते हैं, वैसे याद ना भी रखें तो कोई नहीं, आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट किया गया है, वो ज़्यादा सिंपल है, ये कर सकते हैं। चलिए आइए कुछ और होमवर्क्स हैं हम आपको दे दें, उसके बाद हम आपको छोड़ देंगे, क्यों परेशान हो रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया ना। चलिए देखिए, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कॉन्स्टेंट। आपको कॉन्स्टेंट के की वैल्यू देख के बतानी है रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए अभी मैंने देखा था जीरो ऑर्डर के लिए के की वैल्यू किस में आई थी, मोलर सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए वेरी गुड सेकेंड इनवर्स, सेकेंड ऑर्डर के लिए मोलरिटी का इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, थर्ड के लिए ये तो आपको होमवर्क मिला था। चलिए हम आपको आंसर बता देते हैं, डेट विल बी एम पावर माइनस टू एस माइनस वन, सही है। तो बस आपको ये वैल्यूज पता है, आप इसी से इनको कंपैरिजन करके बता सकते हैं। देखिए के की वैल्यूज आपको सारी दी गई है, यूनिट्स की हेल्प से आप कर लेंगे। और देखिए कई बार आपको यूनिट्स में ये जो मोलर हम यूज कर रहे हैं ना, उसके जगह पे एटीएम भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, वो भी आपका सही है। आइए नेक्स्ट होमवर्क बता दें आप, आपको इस बेसिस पे कर लेंगे, लाइट कट गई तो ये आंसर्स वगैरह सब आपको दिए गए हैं, आप यहाँ से ट्राई करेंगे, ठीक है। ये देखिए आपको सब कुछ दिया गया, बस ऑर्डर पूछा गया है, कर ही सकते हैं। और ये आपका नेक्स्ट होमवर्क, ये सब होमवर्क पूरे पीडीएफ का सबसे इजी क्वेश्चंस हैं, ये आप इनको ट्राई कर लेंगे। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।